अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर आप सबसे पहले सुनना चाहते हो तो वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी आवाज वॉइस ऑफ पानीपत। आज जो सरपंचों के ऊपर एक चुनी हुई सरकार के ऊपर जो बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार ने लाठी चार्ज कराया उसके विरोध में आज हम उनका जेजेपी का भी और बीजेपी आ रहेगा खट्टर का भी और दुष्यंत चौटाला के भी पुतला फूकेंगे भाई। उन्होंने बहुत घिनौनी हरकत की। जो चुने हुए नुमंदे हैं, जो अपनी मांग रख रहे हैं, प्रॉपर शांति प्रिय मांग रख रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया उसका हम पूरे जोर से सरपंचों का समर्थन करते हैं और सरकार का बीजेपी और जेजेपी सरकार का हम विरोध करते हैं। हम इनसे कहते हैं भाई आप लोग इस्तीफा दो और उनका पुतला। दिल्ली में सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं तो क्या करें भाई? दिल्ली में देखो बिल्कुल छप्पे मार लिए, कड़ी एक रुपया नहीं मिला, सारी कुछ जानबूझ के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के हाथों को कमजोर करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे। पहले अपना डॉक्टर साहब को अंदर कर रखा था, अब इसको मनीष सिसोदिया को, जो अच्छा काम करते हैं उनको अंदर देते हैं और जो बदमाशी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको ये अपने साथ रखते हैं, उनके उनको पूरा वो प्रोत्साहन देते हैं, परंतु अच्छे काम करने वालों को ये अंदर करते हैं। पंजाब में आम आदमी सरकार है, वहाँ पर खालिस्तान के नारे लगाए हैं, बीजेपी बोलती वहाँ आम आदमी पार्टी फैल है। ये सब जो सरकार इनके हाथे चली गई बीजेपी और कालियों से, ये उनकी तरफ से था। हमारी जो सरकार ने इतनी सहनशीलता दिखाई, अगर वो गन से लेकर गए उनके पुलिस वाले के हाथ उठ भी काटे, परंतु किसी भी पुलिस वाले ने लाठी तक नहीं उठाई, इतना शांति प्रिय, और फिर उसको तसल्ली से कर भी देंगे और लोगों के समझ में भी आ गया। ये ईमानदार सरकार को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। ईमानदार सरकार है, आम आदमी पार्टी काम करने वाले की पार्टी है और सबके लिए काम करना चाहती है, वो किसी जात पात पर नहीं, ये तो जात पात का जहर घोल रहे हैं। देखिए इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है, निकम्मी सरकार है। और निकम्मी सरकार के मुखिया का आपने ये बयान देखा होगा कि एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो वो ये एक महिला कोच के बारे में ये बोलते हैं कि अनर्गल बयान है। और मंत्री के बर्खास्त करने की
विधानसभा में जब मांग उठाई जाती है तो मुख्यमंत्री मेज थपथपाकर ये कहता है कि हम किसी कीमत पर उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। इस सरकार से व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, जवान परेशान, किसान परेशान, और आपने अब ये देखा होगा कि पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, जिनको लोगों ने बड़े दिल से चुना है, वो लोगों के नेता हैं, और आज उनको खत्म करने का काम कर रही है ये सरकार। मैं तो ये कहूंगा इससे निकम्मी सरकार हरियाणा के इतिहास में नहीं आई थी और ना ही आएगी। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री नहीं, मैं उसको दुख मंत्री कहूंगा, पूरे हरियाणा की जनता को दुख देने का ठेका मुख्यमंत्री खट्टर ने उठा रखा है। हरियाणा के हर वर्ग पर अत्याचार करता है, जब हक मांगने के लिए सड़कों पर जाता है उनको लाठियों से पिटवाता है। पूरे हरियाणा की सड़कों को लहू लुहान कर रखा है इन लोगों ने, और जब तक कि हरियाणा के हर वर्ग का खून सड़कों पर ना बिखरे, मुख्यमंत्री जी को रात को नींद नहीं आती है। ये हिंसक मनोवृत्ति मुख्यमंत्री जी के अंदर पता नहीं कहां से है। इस दुख मंत्री को सोचना पड़ेगा, वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने जनता से वोट ली थी एक विश्वास के आधार पे, वो अपने हक मांगने नहीं आते गए थे। हड़ताल का अधिकार है, संविधान को कुचल तो रही है बीजेपी लगातार, उनका सर भी बोल रही है, लोकतंत्र पे लाठियां भी बरसा रही है। पूरे हरियाणा में आक्रोश है, आम आदमी पार्टी सरपंचों के समर्थन में खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। आज जो परसों पंचकुला में हरियाणा सरकार ने पुलिस वालों से लाठी चार्ज करवाया सरपंचों के ऊपर, पूरे हरियाणा का गांव का सरपंच ये कहता है कि भाई कुछ तो हमारे हाथ में हो जो गांव गांव की डेवलपमेंट कर सके, लेकिन ये सरकार अफसरों के माध्यम से सारे पैसे को डकारना चाहती है। सरपंच इसको डकारने नहीं देगा, और आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, उसी के विरोध में आज ये खट्टर का और दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका गया।